हमारा कर्तव्य बनता है कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हो। व्यवस्था कैसे होगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी, रोड्स ठीक रहे, कोई सिक्योरिटी एंगल से इशू ना हो। सोहना विधानसभा क्षेत्र के गांव सरमथला में 23 अक्टूबर को होने वाली विकास रैली व वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 23 फुट ऊंची प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम को लेकर जिले के आला अधिकारी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को गुरुग्राम के डीसी ने स्थानीय अधिकारियों के साथ मौके का जायजा लिया। देखिए, अब सीएम साहब का दौरा है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो पूर्ण रूप से ठीक हो, ना ट्रैफिक का इशू रहे, पब्लिक को भी समस्या ना आए, सीएम साहब को भी और उनके जो बाकी जो आ रहे हैं उनको भी कोई समस्या ना हो, सभी के हिसाब से रहे। सिक्योरिटी के हिसाब से भी देखना है, एक चेक बड़ा ज़रूरी है। तो हेलीपैड से लेके स्टेज की व्यवस्था, पब्लिक के लिए पानी की व्यवस्था कैसे होगी, पार्किंग की व्यवस्था कैसे होगी, रोड्स ठीक रहें, कोई सिक्योरिटी एंगल से भी इशू ना हो, ये सब जिम्मेवारी करना हमारा कर्तव्य है। तो उसी के नाते ये विजय, आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अपने 7 साल के कार्यकाल के दौरान सोहना विधानसभा का यह पहला दौरा है, जो 23 अक्टूबर को विधानसभा के गांव सरमथला पहुंच रही है, जहां सर्वप्रथम गांव में लगाई गई वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 23 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री विकास रैली को संबोधित करेंगे। इस विकास रैली को लेकर सोहना ताबड़ू वासी उम्मीद लगा रही है कि मुख्यमंत्री विधानसभा वासियों के लिए कोई बड़ी सौगात देकर जाएंगे, लेकिन देखना इस बात का होगा कि मुख्यमंत्री विधानसभा वासियों की उम्मीद पर खरा उतरते हैं या फिर मायूस करते हैं। आयोजित होने वाली रैली की सुविधाओं का जायजा लेने के लिए स्थानीय अधिकारियों से लेकर जिले के उच्च अधिकारी रैली स्थल का निरीक्षण करने में जुटे हैं, ताकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में किसी प्रकार की चूक न रह जाए। इस बात को लेकर विधायक से लेकर अधिकारी तक एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।